18 सितंबर को दोपहर 2 बजे से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 25 सितंबर तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से अपील की जाएगी। सत्र में कुल 743 प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें से 70% सवाल आपदा से जुड़े हैं। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पिछले कल तक जो प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट की तिथि पिछले कल तक थी, वो जितने भी मैटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट प्लस डिस्कशंस, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जैसे स्टार्ट और अनस्टार्ट जो क्वेश्चंस हैं, वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743, और उसमें स्टार्ड हैं 547, 547 जिसमें 451 ऑनलाइन और 96 ऑफलाइन, और अनस्टार्ड 196 और जिसमें ऑनलाइन 144 और 52 ऑफलाइन। ये तो क्वेश्चंस स्टार्ड और अनस्टार्ड, और जो मैटर्स हमारे पास आगे हैं विभिन्न नियमों के तहत, उसमें रूल 61 में एक मैटर आया है, और नियम 101 में जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है जो वीरवार को, उसमें हमारे पास 3 मैटर आए हैं, एक पिछले सत्र का है, 2 इस बार के है। और नियम 102 के तहत एक विषय है, नियम 130 के तहत 9 विषय हैं, और नियम 324 के तहत एक विषय अभी तक जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है। और ये तो वो विषय हैं जो अब तक आ गए, क्योंकि स्टार्ट और अनस्टार्ट की डेट्स जो है वो तो समाप्त होगी, लेकिन फिर भी नियमों के अनुरूप कोई भी अर्जेंट विषय जिसको नियम इजाज़त देता है वो लिस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं विधानसभा सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले तक। कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत जो चर्चाएं आ सकती हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं, और जब विधानसभा सत्र चलेगा तब भी नियम हैं जिसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हैं, अर्जेंट टाइप के मैटर्स हैं जिनको रेज किया जा सकता है, और विधानसभा में और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से भी या जीरो सेशन के नाम से भी, जो विषय बहुत संगीन हैं और हिमाचल प्रदेश के हित के हैं, तो वो चेयर की इजाज़त से वो विषय उठ सकते हैं विधानसभा में। तो वो तो जब सत्र लगेगा तब की बात है। जैसा आपको जानकारी है, जो हमारा पिछला सत्र हुआ था बजट सत्र, उसमें 1215 के करीब जो हमारे प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट उस समय जो है वो चर्चा में आए थे, और उनका जवाब जो है सभी सामान्य सदस्यों को और मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को हमने दिया था। और आपको ये भी जानकारी है कि पिछला जो सत्र हमने किया बजट सत्र, उसकी प्रोडक्टिविटी 94% थी, जो अभी तक के सारे जो सत्र हुए हैं उनमें एक इतिहास है, और सदन की कार्रवाई 75 घंटे चली है पिछली बार। अब इस बार भी देखते हैं, कोशिश हमारी ये है कि वो सारे मुद्दे जो प्रदेश के हित में हैं या जनहित में हैं, वो विधानसभा के माध्यम से चर्चा में आए। सत्ता पक्ष विपक्ष जो है उन दोनों पर अपना अपना दृष्टिकोण नज़रिया रखे, और जो विषय ऐसे हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर है, जो प्रदेश हित में है, जिसमें दोनों ही दलों को सार्थक रवैया अपनाकर उसके ऊपर कोई आम सहमति पैदा करने की आवश्यकता है, जैसे फ्लैश फ्लड्स हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, या विश मेजर बोल दीजिए, एक्ट ऑफ द गॉड्स है, उसमें सरकारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर ये बातें हैं, और बदलती जो परिस्थितियाँ हैं, क्लाइमेटिकल चेंज है, उसके दृष्टिगत जहाँ सारी राजनीतिक पार्टियाँ, सरकारें, सभी हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, चाहे मीडिया है,
वहाँ हमको कोई सार्थक व्यू भी इसमें लेना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियों में राजनीति से ऊपर उठकर किस प्रकार से कोई ऐसा नीति निर्धारण हम करें या कहीं नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो करें, नीति में कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है तो करें, जिससे हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिक तौर पर सुरक्षित किया जा सके। कि हिमाचल रहेगा, हिमाचल के लोग रहेंगे, तभी राजनीतिक दल रहेंगे, राजनीतिक पार्टियाँ रहेंगी, सरकारें रहेंगी, विधानसभा रहेंगी। तो उस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ इस बार का सत्र और ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जो बरसात में जो फ्लैश फ्लड्स में जो हुआ है उससे हमको सबक लेने की ज़रूरत है और एक ऐसी नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से फ्लैश फ्लड्स से भी जो चुनौतियां हैं आने वाली क्लाइमेटिकल चेंज की उससे भी निपटें हम और हिमाचल प्रदेश के विकास को भी आगे ले जा सकें। तो ये मैं चाहूँगा। पता नहीं आप अभी वैसे बहुत सारे जो विषय हैं प्रश्न उत्तर हैं वो चुनाव क्षेत्रों से मुतल्लिक ज़्यादा हैं और ज़्यादातर जो बिजनेस आया है उसमें 70% प्लस वो रिलेटेड टू फ्लैश फ्लड्स ही है। तो अब देखते हैं कि जो है किस प्रकार से आगे राजनीतिक दल अपना अपना जो है व्यू पॉइंट रखते हैं और मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि सभी जो सामान्य सदस्य हैं इस मान्य सदन के, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, सभी को पर्याप्त समय मिले अपनी बात रखने के लिए और जो बात है वो सार्थक हो, हिमाचल के हित में हो, उनके चुनाव क्षेत्र के हित में हो, चुनाव क्षेत्र के जो उनके अपने निवासी हैं उनके हित में हो, मतदाता है उनके हित में हो, तो उन सारी बातों को हम अंदर विधानसभा में चर्चा में भी लाएंगे, इजाज़त भी देंगे और उम्मीद भी करेंगे, क्योंकि समय तो मैं बड़ा खुल के देता हूँ क्योंकि समय की कोई कमी नहीं है। 5 बजे तक विधानसभा चलती है वैसे और पहले दिन सोमवार को 2 बजे शुरू होती है तो 7 बजे तक चलती है, समय बढ़ाया जा सकता है सेशन का अगर कोई अपनी बात रखना चाहे और वाद विवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, वाद विवाद में ना जाकर चर्चा के माध्यम से सारे जो है विषय जो हैं उनको जो है वो सारे हमारे सामान्य विधायक और राजनीतिक दल लेंगे और चर्चा को सार्थक भी बनाएंगे और विधानसभा की कार्रवाई को सार्थक भी बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।